जोहार हजारीबाग। हजारीबाग के चमेली झरना में 5 दिन पहले एक लड़का जमन नाम का डूब गया था। 5 दोस्तों के साथ गया था, लेकिन लगातार NDRF की टीम भी उसे निकाल नहीं पाई। 3 दिन तक NDRF की टीम का ऑपरेशन चला, लेकिन उसे नहीं निकाल पाई। तो देखिए किस तरह से वहाँ के लोगों ने बबलू जी की मदद से, बबलू जी एक कैमरामैन हैं, पहले वीडियोग्राफी करते थे और उनका बहुत बड़ा योगदान है वीडियोग्राफी फील्ड में और खुद गाने भी लिखते हैं और गाते हैं। उन्होंने देखिए किस तकनीक से बनाया है वाटरप्रूफ कैमरा जो है वो लाया वहाँ पर, और लोगों की मदद से उसे अंदर ले जाके ये देख रहे हैं कि आखिर जमन इस खदान में कहाँ है। उसके बाद बबलू जी ने किस तरह से जुगाड़ करके अंडर वाटर कैमरा को तरकीब से बना रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं कि उसको अंदर भेजा जाए और भेज के ये देखा जाए कि पानी के अंदर आखिर रिकॉर्डिंग में बॉडी दिखती है कि नहीं। क्योंकि लगातार NDRF की टीम के गोताखोर जा रहे हैं अंदर, 40-40 फीट का गड्ढा है, 50 फीट का भी कहीं गड्ढा है, लेकिन अभी तक बॉडी का कोई अता पता नहीं चला है। NDRF की टीम लगातार 2 बोट में पानी को वेव बना रही है ताकि बॉडी ऊपर आए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। तो बबलू जी ने सोचा कि क्यों ना पानी में कैमरा डाल के देखा जाए, अगर कैमरा डालने से कुछ पता चल सकता है या फिर अंदर कुछ वीडियो पता चल सकता है जिससे ये पता चल जाए कि आखिर बॉडी कहीं फंस गई है, तो NDRF की टीम को वहाँ पर भेजा जा सकता है। इस तकनीक से काफ़ी मदद मिलने वाला है। अब देखना यह है कि 5 दिनों के बाद इस तकनीक के लगाने के बाद भी क्या बॉडी दिख पाती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए किस तरह से पहले, देखिए किस तरह से जैसे मछली मारते हैं, मछली मारने वाला बंसी होता है वो बनाया, उसके बाद फिर कैमरा को लाइट से जोड़ा और फिर लाइट लगाकर अंदर डालने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कैमरा जो है अंदर जो भी रिकॉर्ड करेगा वो मोबाइल पे आएगा, और बबलू जी ने ये तरकीब NDRF को के साथ शेयर की है, और NDRF देखिए किस तरह से अंदर जो है कैमरा भेज रही है, और कैमरा भेजने के बाद देखना यही है कि क्या जो शव है या फिर जो जमन है उसका बॉडी अंदर दिखता है कि नहीं इस कैमरा भेजने के बाद। देखिए किस तरह से आसपास के लोग सब मिलकर कैमरा को अंदर भेज रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 5 दिन से लगातार फैमिली वाले परेशान हैं और हर तरह की तरकीब लगा दी गई है कि बॉडी किसी ना किसी तरह से खदान से ऊपर आ जाए, लेकिन 5 दिन के बाद भी अभी तक बॉडी खुद ब खुद ऊपर नहीं आया है। तो लोग आशंका ये लगा रहे हैं कि अंदर 40-50 फीट में किसी पत्थर के नीचे हो सकता है बॉडी दब गया है, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं आ रहा है। अब ये लोग इस कैमरे के सहारे ये देखना चाहते हैं कि आखिर सच में इस खदान में बॉडी है कि नहीं। और एक और नया डेवलपमेंट इसमें आ रहा था, कुछ लोग बता रहे थे कि जहाँ पे जमन नहाने गया था 6 लोगों के साथ, उसी के जस्ट बगल में 7 लोग और नहा रहे थे चिश्तिया मोहल्ला के। वो लोग भी बता रहे थे कि जब ये लोग डूब रहा था तो हम लोगों को बुलाया, लेकिन जहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ 5 लोग ही थे। अब उनकी बात और इन लोगों की बात, जो 6 लोग थे इन जिसमें जमन डूब गया, इनकी बात दोनों मैच नहीं कर रही है। इनके ग्रुप वाले लोग बोल रहे हैं कि जमन के साथ 6 लोग थे, और जो लोग बगल में तैर रहे थे 7 लोगों का ग्रुप था, वो लोग बोल रहे हैं कि 5 लोग थे, उन्होंने जमन को देखा नहीं। लोग जो परिवार वाले हैं वो सोच रहे हैं कि इनके दोस्त ने जमन को कहीं और भेज दिया है, इस खदान में है ही नहीं, नहीं तो अभी तक ऊपर आ जाता। अब देखना यह है कि इसकी बात में कितनी सच्चाई है। तो जो लोग 7 लोग थे उनसे हम लोगों ने बात की और क्या कहा उन्होंने, क्या देखा उस दिन, क्योंकि वो लोग भी मौजूद थे, वो भी हम लोग बताएंगे। लेकिन अभी देखिए किस तरह से कैमरा जो अंदर डाला जा रहा है पानी में, इससे क्या कुछ फ़ायदा होता है, क्या जमन का बॉडी 5 दिनों के बाद भी बाहर आ पाता है कि नहीं। आपको बता दूं कि NDRF की टीम जो है 3 दिन से लगातार कार्रवाई कर रही है और अभी तक ऐसी कोई सफलता नहीं मिली। जाए तो धीरे। हाँ ठीक है, उसमें पहले तुमको अच्छा मिला भाई, बोला फोन आते हैं। छोड़ते रहना है धीरे धीरे, यहाँ टच करेगा वहाँ पर रोक, बस बैठ गया, अब बैठ गया, फंस रहा है वहाँ पर नीचे, बैठा है बैठ गया, हल्का फुल्का इधर तो थोड़ा सा उसको उठानो, जरा सा अपने उठानो एकदम हल्का, धीरे 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 उठानिए, तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। हल्का मूव करना, डाल दिया।
निकाल के फिर लैपटॉप पम डाल के चेक वास्ते पूरा टोटल चेक कर लो।